एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप अपने घर में ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइज, मैं आई हूँ आप किचन में लंच बनाने। और सुबह नाश्ते में बनाए थे मैंने आलू के पराठे और साथ में दही, और सबने अच्छे से नाश्ता कर लिया था। हैवी नाश्ता हुआ था सुबह, सो इसलिए मैं अब लंच में बना रही हूँ दाल चावल। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। सो गाइज, आज मैंने एक सिंपल सा सूट वेयर किया है और आप सोचे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ। मैं आज तैयार होकर कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने रील शूट की थी, सो उसके लिए मैं रेडी हुई थी और जो जो मेरी रील देखना चाहता है इंस्टा पे वो मुझे फॉलो करे। मेरी आईडी है Tania Singh 39। प्लीज़ जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो कीजिए और बहुत सारा प्यार कीजिए मेरी रील्स को एंड मुझे। सो गाइस, अब देरी करते हैं, फटाफट लंच बनाते हैं और चलिए आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ दाल। आप पे भी आती होगी, लेकिन मैं जैसे बनाती हूँ मैं आप सबको वैसे दिखाना चाहती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, किस तरह बनाती हूँ। सो गाइस, बने रहिए मेरे ब्लॉग में। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस, ये देखिए अभी बारिश हो रही है और हमारे यहाँ पे नहीं होती, जो तेज होती है तब लगती है कपड़ों पर, वरना कपड़ों पर नहीं लगती बारिश। और ये अभी थोड़ी देर पहले हुई थी कपड़े सुखाने से पहले, तो तब का पानी है और ये हमारे कपड़े सूख रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है हल्की हल्की सी, और दो दिन से इसी तरह से हो रही है हल्की 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 हल्की। सो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं युवान को, युवान क्या कर रहा है। सो गाइस, अभी युवान सो रहा है, अभी इसकी नींद हो रही है। यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया फ्राई पैन में, अब इसे अच्छे से भूनने देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग। सो गाइस, यहाँ पर दाल बनकर रेडी हो गई है। हाँ जी, और यहाँ मैंने चावल बने रख दिए हैं, अब चलते हैं रूम में। गाइस, आप देख सकते हो युवान क्या कर रहा है। युवान खाने लगा हुआ है चॉकलेट, मैंने उसे चॉकलेट दी थी और युवान इसलिए चॉकलेट खा रहा है और अब उसे कुछ नहीं सुनाई देगा, अब उसे बस चॉकलेट दिखेगी, है ना बेटू? और इधर टैडू बैडू ले रहा है हमारी अंगड़ाई। आय हाय, आय हाय मेरे सने बच्चे। हाँ मामा, मामा ऐसे कहते मम्मा। ओ ओ आमची, आमची खाओ, आमची खा लो ना आप बेटू। आपकी चॉकलेट खा गया कीवी सारी? हो दोनों में हो गई लड़ाई। नहीं दे दो, मैं आपको और दे दूंगी, दे दो, आपकी रखी हुई है चॉकलेट, ठीक है, खानी है लेकर आऊं? बताओ जल्दी मम्मा को, लेकर आऊं? ले आऊं? ओके आप खा लो, ठीक है। अभी आ रही है टैडी की चॉकलेट, पापा लेकर आ रहे हैं। इसे एक घंटा हो गया सोए हुए को, मतलब एक नहीं आधा घंटा तो हो गया होगा, आधे घंटे में उठ गया। कोई बात नहीं, अब खाना खा लेगा ना टैडू भी, है ना टैडू? टैडू खाना खाए, खा लो अपनी चॉकलेट, पकड़ो खा लो अपनी चॉकलेट। सो गाइज, हम इधर बैठ कर खा रहे हैं तीनों खाना, आप देख सकते हो, और इधर टैडी खा रहा है बैठ कर खाना। खा लो आराम से खाना, ठीक है, मम्मा खिलाएंगे, आ जाओ कभी आप, दे दो।
सो गाइस सबने हमने अच्छे से लंच कर लिया था और उसके बाद मैं बर्तन वगैरह सब साफ कर गई थी किचन वगैरह और फिर मैं लेट गई। युवान की थोड़ी तबीयत सी ठीक नहीं है क्योंकि मौसम के कारण उसका थोड़ा मन ऐसे ही उदास सा हो रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। कभी कभी होता है ना, बच्चे कभी हंसते हैं, कभी थोड़े से सैड हो जाते हैं, कभी मतलब एक दिन हर दिन एक से नहीं रहते बच्चे। सो आज उसे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा और इस वजह से थोड़ा वो परेशान हो रहा था, मैं उसे लेके लेट गई। और अब आई हूँ किचन में, अब मैं बना रही हूँ इधर चाय और इधर बना रही हूँ मैं, इधर मैं मैंने ऑयल चढ़ाया है तो इसलिए चढ़ाया मैं तल रही हूँ कचरियाँ। डैडी की फरमाइश थी कि मम्मी कचरी तल लो चाय के साथ, मुझे कुकीज़ खाने हैं, सो मैं इसलिए कुकीज़ बनाने आ गई डैडी के लिए। बस बहुत दिन से रखा हुआ था कचरी का पैकेट, मैंने सोचा चाय के साथ इसे फ्राई कर ही लेती हूँ क्योंकि आज मौसम भी हो रहा है बारिश वाला, तो आज मैं बच्चों को यही फ्राई करके दूंगी कचरी। और डैडी लाया था अभी दुकान से चॉकलेट अपनी बहुत सारी, और इधर मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और इधर बन रही है हमारी चाय, गर्मा गर्म चाय, ये देख सकते हो आप। अब चलिए अब उधर तलते हैं कचरियाँ, पहले तेल चेक कर लेते हैं। चाय मैंने छान लिया, चलते हैं अंदर टैडी के पापा को देने चाय। चलिए और ये टैडी की है, मैं टैडी की चाय थोड़ी सी चाय में दूध ज़्यादा डाल देती हूँ ताकि टैडी को लगे कि चाय है, इस बहाने वो पी भी लेता है, इसलिए मैंने इतनी सी चाय ली है और दूध कटोरी भर दी है। सो अब टैडी इसे चाय समझ के पी जाएगा। युवान लग गया है अपने काम पर, आप देख सकते हो हम जो भी खाने के लिए लाते हैं वो सारे में फैला देता है युवान। और टैडी भी खाई खाई कर रहा है, अब इसका यही रहेगा जब तक ये रखी रहेंगी प्लेट में।